क्या हो गया, क्यों रो रही है? आज अपने फ्रेंड्स के बर्थडे में जाना है और पहले मुझे फेशियल कराना था, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि आप हमेशा मुझे पैसे देते नहीं, आप इतनी कंजूसी करते हो, इसलिए मैं रो रही हूँ। क्योंकि वहाँ पर सब चमक धमक कर आएंगे और मेरे पास अपने फेशियल कराने के लिए पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँगी अपने फ्रेंड्स के बर्थडे में? बस इतनी सी बात है क्या? इतनी सी बात के लिए तो इतना रोना धोना मचा रही है। चल चुप हो, मैं तुझे अब बता दूँ क्या करना है। तुझे सिर्फ घर के चीज़ों से ही फेशियल करना है, तेरा पार्लर जाने का खर्चा भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे और टाइम भी बच जाएगा, और तू अपने दोस्तों में चकाचक लगेगी। उसके लिए तेरे पास घर में चीज़ें हैं ना घरेलू, उन्हीं से तो मैं अपना फेशियल कर दूँ। चल तू भी शुरू हो जा, काम पे लग जा। दूध होगा, वो चावल का आटा तो होगा ना, और टमाटर भी होगा और कॉफ़ी भी होगी, तो फिर इन चीज़ों से ही तो फेशियल करना है। क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रही है पार्लर जाने के लिए और खर्चा भी? चल शुरू हो, चल जल्दी। ना जाने से घर की जो चीज़ों से फेशियल करने से क्या मेरे पास वाला ग्लो आ पाएगा जो फेशियल पार्लर से होता है? आ पाएगा? वो तो घर की चीज़ों से तो उतना ग्लो भी नहीं आएगा ना। मम्मा आप हमेशा ऐसे ही बोलती रहती हो ताकि आपको पैसे ना देने पड़े। अरे मूर्ख लड़की, घर की चीज़ों से ग्लो भी आता है, नेचुरल निखार आता है, और वो जो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट होते हैं पार्लर में, उनसे इतना निखार विखार नहीं आता जितना कि घर की चीज़ों से आ जाता है। तो तुझे क्यों इतनी मूर्खता पड़ी हुई है पार्लर जाने की, खर्चा करने की? यहीं से कर ले जो करना है, और देख तेरे दोस्त भी देखते रह जाएंगे तुझको। हाँ, और उससे पहले क्या करना है तुझे, अपने दोस्तों को बोल तेरी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे फ्रेंड्स के साथ, तभी तो तुझे सपोर्ट मिलेगा। अपने दोस्तों को बोल सपोर्ट करते जाएं। ठीक है मॉम, मैं भी देखती हूँ आज घर की चीज़ों से कैसा निखार आता है, कैसे मेरा चेहरा चमचमा जाता है, वो भी घर की दूध मलाई चावल के आटे से और टमाटर से। चलो फिर मैं भी लग जाती हूँ आज काम पे। कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नेचुरल ग्लो, एंड आज हम करने वाले हैं होम फेशियल, कि हम घर में फेशियल कैसे कर सकते हैं, वो भी घर की चीज़ों से, बिना खर्चा बचाए एंड बिना टाइम वेस्ट करें। एंड बिना अपने पार्लर में हम टाइम वेस्ट करने जाते हैं ना, और उनमें तो केमिकल्स यूज़ होते हैं, बट हम तो अपने घर की चीज़ों से, किचन की चीज़ों से फेशियल करेंगे और अपने फेस को ग्लोइंग ग्लोइंग बनाएंगे। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट गाइस। क्लिंजिंग, सबसे पहले स्टेप है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए हमें लेना है एक रॉ मिल्क लेना है, एक चम्मच। गाइस मैंने यहाँ पर ले लिया रॉ मिल्क। इससे सबसे पहले हम अपने फेस की करेंगे क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए हमें मिल्क का यूज़ करना है। मिल्क में इतने ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि जो हमारी गंदगी डेड स्किन जम चुकी है वो बिल्कुल खींच देगा, बाहर निकाल देगा, और हमारी स्किन को फेयर बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा एंड निखारेगा भी। सो अगर आपको अपने पार्लर का खर्चा बचाना है तो यूज़ करो क्लिंजिंग के लिए रॉ मिल्क। सो अब हम क्लिंजिंग शुरू करते हैं, कॉटन की हेल्प से करेंगे। बस फर्स्ट स्टेप यही है, अब हम इसको 5 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है? तो वेट करें। सो गाइस क्लिंजिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, अब हम इसको नॉर्मल पानी की हेल्प से वॉश कर लेंगे। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्क्रबिंग से क्या होता है, जो हमारे ओपन पोर्स खुल चुके हैं रोम छिद्र, तो उनको बिल्कुल क्लीन कर देगी, जड़ से ख़त्म कर देगी, एंड हमारे फेस को तो सॉफ्ट एंड ग्लोइंग प्रोवाइड करेगी करेगी, एंड ऐसे निखार जगा देगी कि फ्रेंड्स देखते रह जाएंगे। सो क्लिंजिंग के बाद स्क्रबिंग तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है फेशियल का, तो चलो गाइस स्क्रबिंग के लिए हमें लेना है वो, यानी कि चावल का आटा, राइस फ्लोर, और उसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा रॉ मिल्क।
इससे बहुत अच्छी स्क्रबिंग होगी और हमारा जो फेस है वो इतना ज़्यादा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन क्लियर क्रिस्टल नज़र आने वाला है। सो नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग, जो हमारे ओपन पोर्ट खुल चुके हैं ये स्क्रबिंग से उसको क्या होगा, वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे स्क्रबिंग करने के बाद। तो हल्की हल्की मसाज से स्क्रबिंग करनी है, प्रेशर के साथ बिल्कुल भी ना करें। इसमें मैंने रॉ मिल्क मिलाया है जो हमारे स्किन को टाइट एंड ब्राइट बनाएगा और झाइयाँ भी ख़त्म करेगा, रिंकल्स आ चुके हैं, फाइन लाइन्स आ चुके हैं उसको भी ख़त्म करता है एंड निखार तो देता ही देता है रॉ मिल्क। एंड जो चावल का आटा है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, टाइट बनाता है, लाइट बनाता है, ब्राइट बनाता है स्किन को और धूल मिट्टी को भी जड़ से ख़त्म कर देगा। हल्की हल्की सी मसाज करनी है। हमें 5 मिनट तक मसाज स्क्रबिंग करनी है, यानी स्क्रबिंग। गाइस में जो मैंने चावल का आटा मिक्स करा है वो जो हमारे ब्लैक किड्स है ना उसको बिल्कुल रिमूव करने में हेल्प करता है। आप यहाँ फिंगर की हेल्प से जहाँ पर भी आपके ब्लैक किड्स की प्रॉब्लम है, चिन एरिया पर एंड टी जोन एरिया पर, तो वहाँ पर आप ना ऐसे ऐसे उसको स्क्रबिंग करें, आपकी जो ब्लैक किड्स की प्रॉब्लम है उससे आप सच में दूर होगी, लाइट भी कर देगा और जड़ से ख़त्म भी कर देगा। चावल का आटा स्क्रबिंग का बहुत अच्छा काम करता है। तो गाइस 5 मिनट बाद स्क्रबिंग करने के बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी की हेल्प से वॉश कर ले। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा निखार आ चुका है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फेस मसाज, जिससे हमारे फेस को रिलैक्सिंग मिलेगी एंड हमारे फेस पर शाइनिंग आएगी, चमक आएगी। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो गाइस मैंने ले लिए मोटी मोटी मलाई यानी फेस मसाज के लिए, तो हम करेंगे मसाज। पहले इसको अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। मैंने अपना टॉप इसलिए बंधा है ताकि जो भी मैं जितना भी गंदा गंदा सा है वो मेरा फेस गंदा, मेरा मतलब टॉप गंदा ना हो, इसलिए मैंने अपना टॉप पहले ही चेंज कर लिया था। आप भी अपना टॉप चेंज कर लें, कोई मतलब ख़राब सा टॉप पहने ताकि जितने भी मैसीनेस है उसी पे मिले। पाँच मिनट के बाद फेस वॉश कर लेंगे। अपना फेस वॉश कर लिया, हम देख सकते हैं मेरा फेस कितना शाइनिंग एंड फ्रेश एंड ग्लोइंग लग रहा है। सो मूविंग ऑन। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप है हमारा फेस मास्क। फेस मास्क क्या है, वो लास्ट में होता है और उससे हमारा चेहरा और ज़्यादा ग्लोइंग एंड निखार, वाइट टाइट स्किन हो जाती है और गोल्डन ग्लो तो मिलता ही मिलता है। पार्टी में तो सब जलने वाले हैं आज मुझसे। सो शुरू करते हैं फेस। तो गाइस हमें चाहिए रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कॉफ़ी पाउडर। आप कोई सा भी कॉफ़ी पाउडर लें, इसमें हम थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड कर देंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे हल्दी यानी टर्मरिक। गाइस हमें थोड़ी सी इसमें ऐड करनी है हल्दी, टर्मरिक थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना उसको, बस फिर हम मिक्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये गाइस ये हमारा फेस मास्क बन के हो गया है रेडी, अब हम इसको करेंगे अपने फेस पर अप्लाई।
वाओ कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है यार, मन कर रहा है खा जाऊं इसको मैं। तू दौर सो गाइस मैंने अप्लाई कर लिया। अब इसको हम 10 to 15 मिनट्स तक हम इसको अपने फेस पर रहने देंगे। जब ये पूरा सूख जाए तो हम अपने फेस को नॉर्मल पानी की बॉटल से धो लेंगे एंड फिर आप देखना चेहरे का निखार। और मैं अपना टॉप भी चेंज कर लूँगी धोने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी हो गया ना गंदा। तो तब तक वेट करते हैं, फिर धोने के बाद मिलती हूँ आपसे। अपना टॉप ही बदल लिया है, आप देख सकते हो कितना अच्छा निखार आया है। अब 2-3 दिन तक अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई ना करें, कोई क्रीम भी अप्लाई नहीं करनी है, नॉर्मल रखना है। हाँ आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं डेली, और आप अपने बर्थडे यानी अपनी फ्रेंड्स के बर्थडे में जाने के लिए रेडी हैं। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर तो पक्का कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।